जी हाँ दोस्तों, सभी राशन कार्ड धारकों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने सबसे बड़ी सौगात अप्रैल के महीने में दिया है। दोस्तों बता दें कि नए फाइनेंशियल वित्त महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हमारे भारत की सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बल्ले बल्ले कर दिया है। और अब से दोस्तों बता दें कि आपको अपने नजदीकी राशन की दुकान से आपको गेहूँ चावल के साथ साथ 500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी लाभ दिए जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि अब से आपको नजदीकी राशन की दुकान से आपको क्या क्या मिलेंगे। अगर आप भी राशन की दुकान से राशन लेते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों बता दें कि ये हमारे केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से ही लागू कर दिया है। दोस्तों बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी आपको 12 से 25 अप्रैल तक मुफ्त गेहूं और चावल का वितरण किया जाएगा। और बता दें कि हमारे केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार से राशन कार्ड धारकों को आजादी मिलेगी। दोस्तों बता दें कि आपको अपने नजदीकी राशन कार्ड की दुकान से आपको मुफ्त में राशन तो मिलेगा ही। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि हमारे केंद्र सरकार ने इंस्टेंट यानी कि तुरंत 500 रुपए भी देने का ऐलान शुरू कर दिया है। दोस्तों बता दें कि ये नए वित्त फाइनेंशियल ईयर के महीने से शुरुआत हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से ये नया नियम लागू हो गया है। और अब से दोस्तों बता दें कि आप अपने नजदीकी राशन की दुकान से गेहूँ और चावल तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको तुरंत 500 रुपए हाथों हाथ हमारे केंद्र सरकार की तरफ से आपकी नजदीकी राशन कार्ड की दुकान से दिया जाएगा। तो है ना काफी अच्छी खबर। और इसके अलावा दोस्तों बता दें कि अगर आप स्पेशली उत्तर प्रदेश राज्य से हैं तो आपको गेहूं चावल के साथ साथ आपको बाजरा, 2 किलो रिफाइंड का तेल, इसके अलावा दोस्तों 2 किलो आपको चना, इसके अलावा 2 किलो अरहर का दाल और भी आपको बड़े बड़े लाभ अपने नजदीकी राशन की दुकान से मिलेंगे अगर आप केवल उत्तर प्रदेश से हैं तो। और बाकी अगर आप अन्य राज्यों से हैं तो वहां पर हमारे केंद्र सरकार ने आपको राशन के साथ साथ आपको 500 रुपए भी देने का ऐलान कर दिया है। तो है ना काफी अच्छी खबर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह जानकारी औरों के पास पहुंच सके और वो भी आज के इस बड़ी खबर की वीडियो से अपडेट हो सके। तो चलिए इसी खबर के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।